तो आइए जानते हैं टीनेजर और युवाओं के कैरियर के अवसर के बारे में हमारे एक्सपर्टीज से। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्सपर्टीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी श्रीमती सुजिया शेट्टी जी का, जो कि कार्यक्रम निर्देशक हैं और ऑथराइज्ड हस्ताक्षर करता हैं सुजिया शेट्टी फाउंडेशन की। सामाजिक उद्यमिता में इन्होंने एमबीए किया है। युवा विकलांगों के लिए संस्थापित एक पीओपी प्रकार के अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की है, जहां हर साल लगभग 150 लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन्होंने मुंबई में कंप्यूटर केंद्र स्थापित किए हैं। यह रोटरी क्लब पाम बीच नवी मुंबई में तत्काल पूर्व अध्यक्ष हैं। तो मैं सुज्या शेट्टी जी से गुजारिश करूंगी कि वह युवाओं के कैरियर के अवसरों पर प्रकाश डाले। थैंक यू मैक। या गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। ओके, थैंक यू। सो सुजिया फाउंडेशन 2002 में चालू हुआ है। नीलांबरी एंड जेरी राव ने ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है कि ये जो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का बीच का जो गैप है, वो गैप को कमी करना। तो हम लोग, आप सभी जानते हैं, आज का टाइम पे इंग्लिश एंड कंप्यूटर जानना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये दो चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट किया है पीपल विद डिजेबिलिटी के लिए, स्पेशली पीपल विद हियरिंग एंड स्पीच लॉस के लिए। उसमें एक प्रोजेक्ट है द ईएलपी, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। मैं आज ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। ईएलपी एक यूनिक लाइवलीहुड जनरेशन मॉडल है। इसमें तीन स्टेजेस हैं। एक फर्स्ट स्टेज है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद हम लोग उनको पेड इंटर्नशिप देते हैं बिफोर प्लेसिंग। उनको पहले, हम लोग प्लेस करने का पहले उनको इंटर्नशिप, रियल काम को ऊपर उनको हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं। आप ये देख सकते हैं ये तीन पिक्चर्स। फर्स्ट वाला हमारा बांद्रा सेंटर है, इधर ए 41 सीटर बीपीओ जैसा सेटअप है। देन हमारा एक सेंटर वाशी में है, आपको एनएमएमसी का ईटीसी पता रहेगा, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ईटीसी है, उधर हमें एक सेंटर दिया गया है। और हम लोग ने मसीना में एक सेंटर बनाया है छोटा सा, वो पीपल विद इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस के लिए है, मसीना वाला सेंटर। मैं ज्यादा प्रोजेक्ट का बारे में बोलना चाहती हूँ। ये टोटल 6 से 9 महीने का प्रोजेक्ट है। इसमें इनिशियल 3 महीना हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस का ट्रेनिंग होता है। हम लोग डे टू डे बेसिस में उनका टाइपिंग स्किल के ऊपर काम करते हैं और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उनका गलतियां कमी कम से कम होना चाहिए। तो एवरीडे हम लोग उनसे काम करवाते हैं, चेक करते हैं बराबर कर रहे कि नहीं, क्या पैटर्न ऑफ मिस्टेक होता है उनसे, उसका ऊपर हम लोग काम करने को चालू करते हैं। और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सिखाते हैं। और कॉरपोरेट वॉलंटियर लोग सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, मतलब काम का जगह पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे तैयार होके काम पे जाना चाहिए, टाइम पे कैसे, टाइम पे जाना कितना जरूरी है, ये सब वो लोग बताते हैं। और ये कोर्स के लिए, एडमिशन के लिए हम लोग ज्यादा कुछ देखते नहीं है, ओनली जिसका क्वालिफिकेशन लाइक यू नो 10th होना चाहिए, अराउंड 16-17 इयर्स का बच्चों को हम लोग लेते हैं। इन केस वो लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे तो हम लोग बताते हैं 17 के बाद हम लोग ट्रेनिंग कर देते हैं, सो दैट 18 होते होते हम लोग उनको काम पे लगवा सकते हैं। और उनको अल्फाबेट्स एंड नंबर का जानकारी होना चाहिए, वो लोग ABCD एटलीस्ट वो लोग पहचानना चाहिए, लाइक यू नो 1 to 9 ये नंबर्स पहचानेंगे तो हम लोग उनको एडमिशन दे देते हैं। एंड हम लोग 1 time 590 रुपया उनसे लेते हैं, विच इंक्लूड्स जीएसटी। ये लेते हैं बिकॉज वी वॉन्ट, हमें चाहिए कि वो लोग सीरियस रहे ट्रेनिंग को ऊपर, इसलिए हम लोग लेते हैं, अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है। और एक बार उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया 3 महीने के बाद, हम लोग कुछ बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इनका स्पीड
बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, उनका एक्यूरेसी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जब भी उनका स्पीड 15 वर्ड्स पर मिनट क्रॉस होता है, वो इजीली पॉसिबल है, जब भी हम लोग उनको इंटर्नशिप स्टेज में डालते हैं। इंटर्नशिप स्टेज एक रियल काम का स्टेज है। उधर हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग ने HDFC बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो लोग उनका सिंपल डेटा एंट्री काम हमें बेचते हैं। एवरी डे डेली हम लोग एक 10,000 तक का एंट्री करते हैं। ओके, महीना में अराउंड 2,50,000, 2.5 लाख का काम करते हैं हम लोग। और वो काम का अलावा हमारे पास इवन लाइक यू नो वोटर आईडी, गवर्नमेंट का वोटर आईडी का काम, अपडेट्स का हम लोग ने काम ले लिया है। तो ये सब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं हमारा इंटर्न्स को। एंड हम लोग देखते हैं कि इधर कितना मिस्टेक होता है। हमारे पास प्रॉपर सुपरवाइजर्स है जो लोग हर एक एंट्री गो थ्रू करके चेक करते हैं कि कितना मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हम लोग गलत डेटा बैंक को भेजेंगे तो वो लोग हमें ये काम देंगे नहीं। एंड हम लोग ये काम 2008 से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मतलब हम लोग ने क्या लेवल पे इसको मेंटेन किया होगा करके। तो ये दो काम के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अदर देन ये छोड़ के हम लोग जभी प्लेसमेंट दिलाते हैं, उधर से भी हमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स आते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी हम लोग ट्रेनिंग में हमारा इंक्लूड कर लेते हैं। एक बार पेड इंटर्नशिप स्टेज खत्म हो जाता है, मतलब उधर भी हम लोग एक असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो असेसमेंट लोग पास हो गए, फिर हम लोग उनको प्लेसमेंट ढूंढना चालू करते हैं। हम लोग अलग अलग कंपनी जो ऐसे बच्चों को काम पे लेते हैं, वो कंपनी के साथ पहले ट्राई करते हैं और पहले काम का रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, और हमारा ऑफिस में बैठ के उनको वो एडिशनल काम का ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। फिर हम लोग उनको इंटरव्यू पे लेके जाते हैं, और इंटरव्यू पे लेके जाते वक्त हमारा एक सुपरवाइजर हमारा स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, सो कि वो इजी हो जाता है उनको कि वो काम को उनको सिखाना, लाइक कंपनी हमें बताती है क्या करवाना है एंड ये जो सुपरवाइजर उनको सिखाते हैं, तो ये काम समझाना इजी हो जाता है। एंड उतना ही नहीं, इवन हम लोग कंपनी को हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि ये ऐसा बच्चों के साथ कैसे उनका व्यवहार रहना चाहिए, लाइक यू नो, एंड ये नहीं है कि वो लोग कैसे भी उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग वो भी मेक श्योर करते हैं कि वो लोग उनको ठीक से लाइक उनका व्यवहार उनके साथ ठीक रहे। एंड बेसिक साइन लैंग्वेज भी हम लोग उनको सिखाते हैं एक बार प्लेस करने के बाद उनका दूसरा एम्प्लॉयज के साथ, मतलब इनका कलीग के साथ। उसके बाद कंटिन्यूसली फॉलो अप लेते रहते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस का ऊपर, कभी कुछ कमियां रहेगा तो हम लोग स्टेप इन करके वो फिल करने की कोशिश करते हैं। 3 से 6 महीना उनका हैंड होल्ड करते हैं, सो कि वो लोग, बिकॉज हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि जो भी काम छोड़ते हैं इनिशियल 3 महीना में काम छोड़ते हैं, बिकॉज आइदर बच्चे को उधर एडजस्ट नहीं होता है, अदरवाइज एम्प्लॉयर को एडजस्ट नहीं होता है, ये तरीका ये हिसाब से बच्चे लोग काम छोड़ देते हैं। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो लोग उनको वो सपोर्ट मिले, कॉर्पोरेट को भी वो सपोर्ट मिले एज वेल एज बच्चे को वो सपोर्ट मिले। तो हम लोग हमारा सुपरवाइजर को कंटिन्यूसली इनिशियली तो 15 दिन तक उधर ही रखते इनिशियली काम समझने के लिए, फिर हम लोग फ्रीक्वेंटली भेजते रहते हैं उनको एंड रेगुलर फॉलोअप लेते हैं। आगे जाके कुछ चेंजेस होता है तो भी जॉब पे, देन हम लोग फिर से हमारा कंपनी हमें कॉल करके बताते हैं कि ये चेंजेस है, आप प्लीज आपका बच्चों को सिखा दो ये चीज। तो फिर से हमारा सुपरवाइजर जाके वो चेंजेस को फिर से बच्चों को सिखा लेते हैं, सो दैट वो लोग अपना काम ठीक से करते हैं। ये कुछ हमारा सफल कहानियां हैं, आप देख सकते हैं अनुपमा, रेशमा, चिन्मय। अनुपमा रेशमा हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड है एंड उनको हम लोग हर एक बार एंट्री लेवल जॉब प्लेसमेंट करते हैं। इट मे बी कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा, डेटा एंट्री रहेगा, हम लोग देखते हैं कि वो लोग कंप्यूटर में काम करे बिकॉज हमारा ट्रेनिंग उनको कंप्यूटर का ऊपर है। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वैसा जॉब पे लगाए बच्चों को। तो हमारा ये कुछ सफल कहानियां हैं। और जमीला सिटीएस टेक में 2 लोग हैं, पंकज एंड शेरिल। शेरिल को इवन एप्रिसिएशन लेटर कंपनी से मिला है। तो ये लोग भी बैक ऑफिस HR रिलेटेड जॉब पे इन्वॉल्व है। एंड हम लोग एक्चुअली इन ये प्रोसेस होते इनिशियली हम लोग ने चालू किया था हियरिंग एंड स्पीच इम्पैड को लेने का, लेकिन स्लोली स्लोली कोई कोई माइल्ड इंटेलेक्चुअल बच्चों का पेरेंट लोग हमें अप्रोच करने को लगे। हम लोग नहीं करके बोल नहीं पाए तो हम लोग थोड़ा सा लेने को लगे, लेकिन हमें सबको पता है
जॉब प्लेसमेंट करना ट्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मे बी मैं उतना लेवल पे नहीं सिखाएगी, थोड़ा सा कम सिखाएगी, लेकिन प्लेसमेंट बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग एक्चुअली डेटा एंट्री में प्लेस नहीं कर पाए, लेकिन जेपी मॉर्गन उनको कुछ और ऑफर कर रहे थे उनका हॉस्पिटैलिटी में, तो पेरेंट्स का कंसेंट के साथ हम लोग ने ये लोगों को उनका हॉस्पिटैलिटी में लाइक यू नो प्लेस किया है। काफी सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग के बाद ये प्लेसमेंट किया है हम लोग ने। हम लोग काफी पार्टनर के साथ काम करते हैं। मैंने ऑलरेडी मसीना हॉस्पिटल का नाम शायद यूज किया। मसीना हॉस्पिटल में हम लोग ने 10 हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर बच्चों को प्लेस किया है। तो मसीना हॉस्पिटल का एमडी सीईओ जो डॉक्टर विस्पी जो कि वो बोलते हैं कि हमारा एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, क्योंकि उनको पता है। इनिशियली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बेस्ड ऑन असेसमेंट का बेस पे, हम लोग उनको इंटर्नशिप में मूव करते हैं एंड उधर उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट करते हैं एंड उधर एंड नहीं करते, हम लोग हैंड होल्ड कर देते हैं एंड फॉलो अप करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा ये जो भी प्रोजेक्ट सफल इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। सो वो बताते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और हमारा HDFC बैंक, इधर भी हम लोग ने काफी लोगों को प्लेस किया था, काफी एटलीस्ट 3 इयर्स बैक। HDFC बैंक में फोर्ट एज वेल एज कांजुर मार्ग में काम करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो ट्रेनीज है जिसको हम लोग ने भेजा है, वो लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है एंड वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग अपना काम छोड़ के इवन उनका एम्प्लॉयज को भी अलग अलग काम पे मदद कर रहे करके बोल रहे हैं। सो ये कुछ हमारा सफल कहानियां, ये सब पॉसिबल हुआ। ये जस्ट हमारा काम नहीं है, अफकोर्स हमारा बच्चों का भी काफी मेहनत है, काफी लगन है एंड उनका पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट एंड डेडिकेशन है, एज वेल एज सभी का, टीचर्स का, मतलब टुगेदर ऑल ऑफ अस अचीव्ड दिस। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि हमारा ये जो काम के लिए फॉर द डिजेबिलिटी सेक्टर और दिव्यांग का ये जो क्षेत्र का योगदान के लिए 2019 में अमेरिकाज इंडिया ने हमें 10th स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया है। हम लोग नेशनल फाइनलिस्ट थे एंड हमें रीजनल अवार्ड मिला था। या मैं ये एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। एंड बिफोर दैट मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ वी कनेक्ट टीम को, ऑल्सो सभी पेरेंट्स को। मेरे को ये एक चांस अपॉर्चुनिटी दिया है शो करने का हमारा मॉडल को, इसके लिए थैंक यू सो मच। या थैंक यू एवरीवन। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, और थैंक यू सुजय शेट्टी जी आपका। अब मैं इनवाइट करूंगी श्री समीर नायर जी को, जिनके एक्सपीरियंस और दृष्टि का क्या है कहना। ये है अध्यक्ष फ्लैगशिप कार्यक्रम के और यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन के। कम शिक्षित युवाओं को स्थायी रूप से कौशल प्रदान करते हैं और जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। युवाओं को और उनके घर के पास नौकरी देने की दृष्टि से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लगातार स्थानीय बाजार स्कैनिंग करते हैं। और आज भारत भर में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाने के साथ साथ 29,000 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया है, और ज्यादातर युवा ऐसे गांव से हैं जिनके बारे में सबको जानकारी नहीं है। विकलांग युवाओं को अलग अलग फील्ड में जॉब दिलाने के लिए पूरे भारत में 1,010 सरकारी संस्थाओं से इन्होंने भागीदारी की है। तो मैं इनवाइट करूंगी श्री समीर नायर जी को। धन्यवाद महक, नमस्कार सभी दर्शकों को, धन्यवाद वी कनेक्ट टीम आपने हमें बुलाया इस कार्यक्रम के लिए और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। हम चालू करने से पहले हम सारे वी कनेक्ट टीम को बधाई देना चाहेंगे इस अच्छे काम करने के लिए, 15 वर्ष कंप्लीट करने के लिए। हमारे यूथ फॉर जॉब्स के सारे टीम से हमारा बधाई हो आपको। एंड सो चालू करते हैं हमारे कार्यक्रम की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है दिव्यांगजन लोगों के लिए। तो यह हमारा संस्था का नाम है यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन। ये हमने 10 साल पहले मीरा शनॉय जी ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम दिव्यांगजन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और काम में लगाते हैं। हम ये 10 साल में करीब करीब 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल चुके हैं।
लगभग 30,000 लोगों को हमने ट्रेन कर चुके हैं अभी तक, उसमें से 22,500 के ऊपर लोगों को हमने काम में लगाया है। हमारे कार्यक्रम में हम दो टाइप के युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं। एक है लेस एडुकेटेड यूथ, जिसका कम पढ़ाई है, जो 10th pass or 12th pass हो। दूसरा कार्यक्रम है जो शिक्षित यूथ के लिए है, जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। हमने दोनों के लिए हमने प्रशिक्षण इस तरह से लगाया है कि उनको जिस तरह से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। किसी को लगता है कि हम ग्रेजुएट है पर हमारा स्किल सेट 12वीं है, तो हमारे 12वीं कक्षा के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसे हम वाइस कहते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ग्रेजुएट है तो हमारे कॉलेज कनेक्ट प्रोग्राम जो ग्रेजुएट्स के लिए होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा VA सेंटर भी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड सेंटर के लिए होता है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट कोचिंग के हम पर फोकस करते हैं। हमारा एक एडवोकेसी प्रोग्राम है, जहाँ पे हम माइंडसेट चेंज करने के लिए कार्यक्रम करते हैं, जहाँ हम विलेजेस में जाके, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पे जाके हम एडवोकेसी करते हैं। ये बताते हैं कि एबिलिटी है डिसेबिलिटी में, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो पैसे कमा सकते हैं अपने पढ़ाई और काम के थ्रू। करीबन 10,600 विलेजेस हम कर चुके हैं अभी तक, और हमारा कार्यक्रम अराउंड 8.7 मिलियन हाउसहोल्ड तक हमारा एडवोकेसी प्रोग्राम गया है। इसके वजह से क्या हुआ है, इसके वजह से बहुत से दिव्यांग लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सके, एंड सिंस उन्होंने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए तो उनको नौकरी भी मिल गया है। इसके अलावा जिस तरह से हमने बताया कि कॉलेज कनेक्ट में जो ग्रेजुएट यूथ है, उनको उनकी तरह की नौकरी, मतलब 1,000 के ऊपर नौकरियों में हमने लगाया है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करीब करीब 1,030 कंपनी से हमारा टाई अप है। उससे बढ़िया बड़ा कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, डीमार्ट वगैरह है, और हमारा एक सेंटर ऑफ इंक्लूशन भी है। हमने बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए हैं। सबसे बड़ा अवार्ड था जो राष्ट्रपति जी ने 2017 में दिया था एम्प्लॉयमेंट को लेकर। जिस तरह से हमने बताया कि हम काम करते हैं ग्रामीण इलाकों में, जिससे उनका माइंडसेट चेंज हो, ऐसे करते हैं हम 3 C's से काम करते हैं। एक होता है जो ग्रामीण इलाका, जो कम्युनिटी कहलाता है, दूसरे कंपनीज जहाँ पे नौकरी होता है, तीसरा कॉलेज से। सो हम पूरी तरह से ये काम करते हैं कि उनका माइंडसेट बदलो और दिव्यांगजन के प्रति उनका भाव बदले। हम एक्सेसिबिलिटी भी करते हैं, क्योंकि नौकरी एक जगह होता है और एक्सेसिबिलिटी दूसरी जगह, क्योंकि अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा तो उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक्सेसिबिलिटी पे भी काम करते हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेसिबिलिटी करते हैं, उनका काम करने का एरिया का हम एक्सेसिबिलिटी करते हैं, टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना भारी पड़ा है कि अगर टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है तो सो आगे जाके काम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम एक्सेसिबिलिटी भी करते हैं, और एक्सेस टू स्किलिंग एंड जॉब, जिस तरह हमने बोला कि प्रशिक्षण देते हैं और काम में लगाते हैं, हम ये भी करते हैं। ये ट्रांसिशन है, जिस तरह से हम सारे लोगों से बताते हैं कि जैसा AD और BC हुआ करता था, आजकल हमें बात करना चाहिए प्री कोविड और पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड में हमारा ट्रेनिंग ऑनलाइन हुआ है, प्री कोविड में हमारा ट्रेनिंग क्लासरूम हुआ था। जो पिक्चर आप देख रहे हैं क्लासरूम ट्रेनिंग से, जिस तरह हमने अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग में स्विच किया है। हमारा ट्रेनिंग 30 डेज का होता है, जहाँ पे हम स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड यूथ, लोकोमोटर डिसेबल्ड एंड लो विजन को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, अभी हम बात करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटी पे। हमने ट्रेनिंग लिया है, हमने काउंसलिंग किया है, पर कहाँ पे नौकरी मिलता है, कहाँ पे पोस्ट कोविड में नौकरियां हैं आज के तारीख में? अगर आप देखोगे, पूरा बिजनेस बदल गया है पोस्ट कोविड में। अगर देखोगे आप पोस्ट कोविड में, लोकेशंस बदला है जहां से आपको काम करने का, नौकरी मिलने का अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। अगर आप जॉब सेक्टर्स देखेंगे तो आज के तारीख में बहुत सारे जॉब्स ई कॉमर्स में है। ई कॉमर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स है, एंट्री लेवल से लेके मिड लेवल जॉब्स है, एक्सपीरियंस से लेके फ्रेशर्स तक का जॉब्स है, 18 एज से लेके 35 ईयर्स एज के लिए जॉब है, कम पढ़ाई मतलब 10th pass से लेके शिक्षित, दैट इज ग्रेजुएट के लिए नौकरी है। सेम थिंग हुआ रिटेल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये 3 इंडस्ट्री सेक्टर्स आज के तारीख में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे यूथ के लिए, युवाओं के लिए। फिर जाके होता है ITFSI, हॉस्पिटैलिटी, फार्मेसी, टेक्सटाइल्स वगैरह में। यहाँ पे इतने सारे नौकरियां हैं, हमें ये तय करना है कि हम बच्चों को कैसे इस सेक्टर्स में ले आए और कौन से जॉब्स हैं इनमें।
अगर आप देखोगे ई कॉमर्स में आपको स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट मतलब आपको यू नो सपोर्ट करना पड़ेगा वहां पे जो उनके एम्प्लॉयज है उनके काम में मदद करना पड़ेगा। अगेन ये दो टाइप के होता है, एक होता है फुल टाइम मतलब आपको 9 घंटे से 12 घंटा काम करना पड़ेगा, वो अपॉर्चुनिटी भी मिलता है ई कॉमर्स में आप पार्ट टाइम करें ताकि आप पढ़ाई भी करें साथ साथ काम भी करें, 3 घंटे का 4 घंटे का पार्ट टाइम होता है। इनफैक्ट ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजोन है या DHL है उन्होंने एक नया तरीका भी कोर्स निकाला है जहां पे आपको सारे महीने में एक हफ्ता भी काम कीजिए आप पे चॉइस पे 4 घंटे पर डे भी काम कर सकते हैं। तो इन्होंने इतना फीसिबिलिटी दिखाया है अपने युवाओं के लिए कि अपन चॉइस करके नौकरियों में ज्वाइन कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट हो गया जो कस्टमर फेसिंग जॉब रोल चाहते हैं उनको मिलेगा, जो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है मतलब अमेजोन को हो या फ्लिपकार्ट को या रिटेल को नो जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो नौकरी मिलता है। देन BPO में हो गया यू नो जहाँ पे नॉन वॉइस प्रोसेस हो गया है जहाँ पे डाटा एंट्री हो गया काम वो मिल सकता है। रिटेल में जो यू नो आपके रिटेल स्टोर में जाओगे तो आपको दिखेगा कि लोग वहाँ पे कड़के रहते हैं स्टैंड्स के सामने जिसे यू नो कस्टमर को ले आना पड़ता है दिखाना पड़ता है वगैरह वो भी काम मिल सकता है। हॉस्पिटैलिटी में अगर देखोगे तो आपको अगेन F&B एग्जीक्यूटिव हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, आज के तारीख में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो रहा है बट मैन्युफैक्चरिंग में जैसे सेम पोजीशंस लाइक हेल्पर हो गया एसोसिएट हो गया असेंबलर हो गया जिस तरह से हम ये बता रहे हैं ये बहुत ही कम शिक्षित लोगों के लिए जो 10th और 12th पास लोगों के लिए ग्रेजुएट के लिए मिड लेवल जॉब्स होता है जैसे अकाउंटिंग हो सकता है कैशियर हो सकता है HR में भी हो सकता है। किस तरह के नौकरी मिलेंगे हम तो अभी सेक्टर बताया हमने बताया कि यू नो ये सारे रूल्स है तो आपको कई किस तरह के रोल्स मिलेंगे जॉब मिलेंगे। एक होता है जो कस्टमर फेसिंग है जो जिससे आपको सामने किसी से मिलजुलना रहता है ओके हाथ बढ़ाना पड़ता है उनको सपोर्ट करना पड़ता है कस्टमर को। दूसरा रोल होता है बैकएंड जो ताकि आप कस्टमर को नहीं मिलेंगे वहां पे बट एंड ऑफ द डे आप कस्टमर के लिए ही काम करेंगे बट आपको पिछले भाग में बैठ के काम करना पड़ता है जैसे डाटा एंट्री हो गया अटेंडेंस मैपिंग हो गया शिफ्ट मैपिंग हो गया वगैरह। दूसरा होता है नॉन वॉइस प्रोसेस, आप कोई भी सेक्टर ले लो चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो रिटेल हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो ये जो भी रोल्स है वहां पे भी होता है मतलब ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स सेक्टर में होगा तो वहां पे क्या कॉलिंग जॉब होगा या क्या नॉन वॉइस प्रोसेस होगा या क्या बैकएंड रोल होगा। हर एक जगह ई कॉमर्स हो चाहे रिटेल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो ये पूरा काम होता है वहां पे। तो इससे लिए क्या होता है यहाँ पे इतने लोगों की आवश्यकता भी होता है एंड इसके लिए हमको ये करना चाहिए कि यूथ को बचपन से फोकस करें कि उनका स्किल क्या है क्षमता क्या है एंड वो क्षमता पे उनको फोकस करें और आगे पढ़ाएं और आगे स्किलिंग करें एंड वो सेट वैसे सेट काइंड ऑफ जॉब्स में लगे रहे ताकि उनका सस्टेनेबिलिटी भी हो। ये हमारे थोड़े कंपनीज हैं जैसे देखा गया कि गूगल है जो हम एंट्री लेवल जॉब से लेके मिड लेवल जॉब पे भी लगाते हैं, IBM हो गया IT सेक्टर में, अमेजॉन जेनपैक HSBC जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं हमारे अमेजॉन हमारा पार्टनर है सबसे बड़ा पार्टनर है और अमेजॉन में अभी अपॉर्चुनिटीज चल रहा है और डीमार्ट में भी अभी अपॉर्चुनिटीज चालू है। ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज है, हैदराबाद से लुल्लू का स्टोरी है जो यू नो क्रिस्कॉर्प में काम करती है अभी JP Morgan में है जो क्रिस्कॉर्प उनका प्लेसमेंट एजेंसी है। देन मुंबई से गोपाल जो स्टार बाजार में है, रांची से राधेश्याम है जो यू नो रेडिसन ब्लू में काम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा नमूना पेश किया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारे युवा कहाँ कहाँ पे काम करते हैं एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद समीर नायर जी, मैं तहे दिल से अब आमंत्रित करना चाहूंगी जिनकी मुस्कान है सबसे प्यारी उनकी बातें प्रोत्साहन वाली श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी का जो कि संस्थापक और निर्देशक हैं अनंतरण फाउंडेशन की। अशोका फेलो और एस्प्री फेलो MBA हैं। इन्होंने अनंतरण को खोजने से पहले आकांक्षा फाउंडेशन और स्नेहा फाउंडेशन का नेतृत्व किया और सामाजिक क्षेत्र में जाने से पहले विज्ञापन के क्षेत्र में 10 साल बिताए हैं। तो मैं प्रिया जी को इनवाइट करूंगी। थैंक यू महक, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आप सब के बीच में मिलके। थैंक यू वी कनेक्ट फाउंडेशन फॉर हैविंग मी हियर। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके आई थिंक जी।
जैसे महक ने बताया, मैं अंतरंग फाउंडेशन से हूँ। हम पिछले 10 साल, करीबन 10 साल से बच्चों के साथ काम करते आ रहे हैं। अभी आपने सुना पिछले आधे घंटे में समीर सर से और सुजया मैम से कि बच्चे आगे जाके क्या कर सकते हैं। हमारा जो संस्था है, करीबन 1.5 लाख बच्चों के साथ अभी तक काम किया है, लेकिन हम उसके पहले के का जो हिस्सा है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में उन्होंने बताया कि गूगल में काम कर सकते हैं, अमेजोन में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, होटल्स में काम कर सकते हैं। हमारा काम ये होता है कि हम स्कूल में जाके, हर एक स्कूल में, मुंबई, पुणे, गोवा, उदयपुर में, हर एक गवर्नमेंट के स्कूल में फिलहाल हम जाके करियर गाइडेंस करते हैं। हम बच्चों को कैसे चुनना है आगे जाके क्या करियर में जाना है, क्योंकि मौके बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे चुनना है इसके बारे में हमारा काम होता है। हम गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं और हमारे 1,20,000 बच्चों के साथ जिन्होंने काम किया, 80% से ज्यादा वो या तो हायर एजुकेशन में है या तो अभी काम कर रहे हैं। हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ताकि बच्चों को पता चले कि वो रेडी हैं करियर में जाने के लिए या नहीं। और हमारे देश में करियर काउंसलर्स का जो हिस्सा है बहुत कम है, तो हम करियर काउंसलर्स को भी ट्रेन करके इन स्कूल्स में हम प्लेस करते हैं। अगर हम आप सबसे, पेरेंट्स से पूछूंगी कि आपका सपना क्या है, अपने बच्चों के लिए क्या सपना है, सब आप सब लोग बोलेंगे कि अच्छा नौकरी करना है, उसको उसको खुश रहना है, अच्छी तरीके से कमाना है, उसको सारी सुविधाएं उसके जीवन में होना चाहिए। हम सब, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी मेरे लड़कियों के लिए वही सपना है। और ये करियर, ये जो अच्छा नौकरी जो है और अच्छा करियर जो है, इसका निर्णय हम कैसे लेते हैं? फिलहाल हम लेते हैं टीवी में, मीडिया में जो भी आता है, या दोस्तों से, अरे मेरे पड़ोस वाले दीदी है ना, वो अभी कॉमर्स कर रही है और आगे जाके बैंक में काम करने वाली है, उसने बताया कि कॉमर्स बहुत अच्छा है। या तो मेरे चाचा गवर्नमेंट में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का जॉब बहुत अच्छा है। हम ज्यादातर ऐसे ही निर्णय लेते हैं। कि मेरा सवाल ये है कि क्या ये काफी है, ऐसे निर्णय लेना क्या काफी है कि नहीं है, यही मेरी संस्था करती है। अब सिर्फ मुंबई शहर को हम लेंगे तो करीबन 7 लाख बच्चे हर साल 12वीं का एग्जाम देते हैं, और फिर उसके बाद सबके मन में यही होता है, अच्छा मार्क्स अच्छा आए तो क्या हम साइंस ले लें। मैं आपको एक सिर्फ एक छोटा सा इधर स्टेटिस्टिक पेश करना चाहती हूँ कि हमारे देश में सिर्फ पिछले साल में सरकार ने बताया कि ऑलमोस्ट 300 फेक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस है, ज्यादातर ऐसे ऐसे स्टेट्स में, लेकिन हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं, राइट। उन 7 लाख में से फिर क्या होता है कि मार्क्स थोड़े कम आए तो कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, और क्योंकि आर्ट्स के बारे में इतना समझ में नहीं आता तो बहुत कम बच्चे आर्ट्स में जाते हैं। फिर एमसीबीसी के बारे में किसी को पता भी नहीं, राइट। ऐसे ही हम ज्यादातर निर्णय लेते हैं। तो लेकिन अगर ऐसे निर्णय न ले, दोस्तों से न पूछ या टीचर्स से गाइडेंस न ले, तो कैसे ये निर्णय ले सकते हैं? मैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। आज मैं क्या बताऊंगी कि कैसे निर्णय ले सकते हैं, क्या क्या मौके हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या करियर्स हैं। समीर सर ने थोड़ा बहुत बताया, सुजया मैम ने भी बताया, राइट। उसी के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगी, और कब ऐसे निर्णय कब से लेना जरूरी है, राइट, ये भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो कैसे लेते हैं, 3 चीजें चीजों के ऊपर निर्भर होता है। अभी समीर सर ने भी बताया कि बहुत जल्द से ही बच्चों का रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, राइट। दूसरा, बच्चे किस के, बच्चों की योग्यता किस में है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हैं, बड़ों से भी अच्छी तरह बात करते हैं, छोटे से भी अच्छी तरह बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने हाथों से चीजें बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी
कर लेते हैं राइट, वो दूसरा होता है, दूसरा फैक्टर होता है चूज करने में। पहला है रुचि, दूसरा है कौशल या योग्यता, एप्टीट्यूड जो बोलते हैं राइट। तीसरा ये है कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हो सकती हूँ और मुझे इंजीनियरिंग करने का शौक भी या रुचि भी है क्योंकि बचपन से मैं चीजों को रिपेयर करते आ रही हूँ या कंप्यूटर में कोडिंग भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है कि मुझे शायद 2 साल के बाद मुझे कमाना पड़े राइट, तो फिर 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री का क्या सही है कि नहीं है राइट। या तो मुझे रुचि छोटे से है, जैसे जब मैं छोटी थी और बहुत सारे आप में से लोग भी होंगे कि मुझे एयर होस्टेस बनना है राइट, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं काफी शॉर्ट हूँ, तो वो नामुमकिन है राइट। या तो वास्तविकता ये भी है कि उस सेक्टर में अभी नौकरियां ही नहीं है, तो पैसा खर्च करके हम ट्रेनिंग लेंगे लेकिन वास्तविकता ये है कि वहां नौकरियां हैं ही नहीं राइट। तो वो कैसे हम निर्णय लें। दूसरा क्या क्या है राइट, मैं इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी क्योंकि बहुत मेरे पहले के दोनों स्पीकर ने बताया कि 3 ऐसे क्षेत्र में बहुत सारे नौकरियां हैं अभी और करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं, काफी हद तक बढ़ रहे हैं राइट। एक है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी फील्ड में आप कोई भी चीज ले लीजिए ना, अगर हमको टैक्सी चाहिए तो उबर बुक करते हैं, कुछ हमें सामान ऑर्डर करना होगा तो अमेजोन में होता है, खाना चाहिए तो स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, ट्यूशन चाहिए तो एडटेक के कंपनी से, वेदांतु है, बायजूस है, जिन्होंने इतना सारा अभी हमारा जीवन पूरा टेक्नोलॉजी के जरिए ही चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा करियर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। दूसरा है आरोग्य हेल्थ केयर सेक्टर में राइट, फार्मेसी हो या नर्सिंग हो या मेडिकल टेक्नीशियंस हो, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन के क्षेत्र में बहुत सारा, जो कस्टमर सर्विस हो सकता है राइट, जो भी कस्टमर फेसिंग रोल्स है, सेल्स हो सकता है, कस्टमर सर्विस हो सकता है, बीपीओज में उन्होंने बताया राइट, जो भी कस्टमर फेसिंग जॉब्स है, टैलेंट मतलब रिक्रूटमेंट करने वाले, उनकी नौकरियां उस सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और कहाँ पे घटता जा रहा है, क्योंकि हम एडोलेसेंट्स टीनेजर्स के साथ बहुत काम करते हैं, कल भी मैं एक स्कूल में थी और जब मैं पूछ रही थी कि आपको क्या बनना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अकाउंटिंग करना है, या तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बैंक में नौकरी चाहिए राइट। लेकिन बैंक में आजकल ATMs और डिजिटाइजेशन की वजह से, इंटरनेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग की वजह से बैंकिंग नौकरियां धीरे 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 कम होती जा रही है राइट, अकाउंटेंट्स की नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो भी काम मशीन कर सकता है मशीन ही करेगा, आदमी तो नहीं करेगा, तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कम होते जा रहे हैं राइट। ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज के लिए ऑप्शन आज के जमाने में बहुत ज्यादा है राइट। इंजीनियरिंग और मेडिकल 5 साल 4 साल बहुत सारे पैसे खर्च करके, और जहां पे स्टार्टिंग सैलरी उतनी ही है जितना डेटा एनालिस्ट की या मेडिकल टेक्नीशियन की या तो ग्राफिक डिजाइनर की या शेफ की, तो अपॉर्चुनिटीज भी देखें, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे बच्चों के लिए। आज के जमाने में सिर्फ 12वीं के बाद 150 के ऊपर कोर्सेस है जो 2 साल तक करेंगे तो तुरंत उनको नौकरी मिल सकती है, जहां स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 15,000 की होती है राइट। और कब ये इन सब के बारे में सोचना, कब से हमें शुरू करना चाहिए राइट। हमने यही देखा है पिछले 10 साल में कि 9th स्टैंडर्ड से लेके अगर बच्चे इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना शुरू करेंगे, तो क्योंकि 10th के बाद उनको स्ट्रीम चूज करना होता है राइट, साइंस कॉमर्स आर्ट्स या एमसीबीसी या वोकेशनल जो भी स्ट्रीम्स, तो 9वीं से लेके अगर हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, एक इंटरेस्ट मैपिंग इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और करियर काउंसलर से जाके हम बात करते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा 10वीं तक कि अच्छा ये 5 या 6 करियर मेरे लिए सही हो सकता है, मेरे हुनर को ध्यान में रखते हुए, मेरे रुचि को ध्यान में रखते हुए और मेरे फैमिली सिचुएशन या अपॉर्चुनिटीज जो भी आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए राइट।
दो और बात बहुत जरूरी है जो हमने देखा है, हमारे बच्चों को हम यही बोलते हैं, कंप्यूटर स्किल्स बहुत ही जरूरी है, सिर्फ क्लास करके नहीं, अगर घर पे लैपटॉप है, टैबलेट है, तो धीरे धीरे एक्सेल पे काम करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करें, वर्ड पे काम करें, राइट? तो कंप्यूटर स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे पहले के स्पीकर्स ने भी ये बताया, इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम जॉब 11वीं से लेके आप प्लीज अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस जैसा और कोई सर्टिफिकेशन वैल्यूबल नहीं होता है। जितना भी हम कोर्स करें, जितना भी हम जाके पढ़ लें, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेस्ट लर्निंग होता है हमारे बच्चों के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही मैं आज पेश करना चाह रही थी। आई विल नाउ टेक क्वेश्चंस। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आप सबके बीच में बोलने का मौका लेने के लिए। थैंक यू स्पीकर्स। हम क्वेश्चन आंसर्स के राउंड की तरफ चलेंगे। और जब सुजाया मैम का सेशन चल रहा था, तब एक पेरेंट का सवाल आया था चैट बॉक्स में कि मैम प्लीज ये जो लोग प्लेसमेंट पाते हैं उनकी सैलरी क्या होती है? नॉर्मली एंट्री लेवल पे सैलरी लाइक यू नो फ्रॉम 11,000 टू 15,000 की बीच में रहती है। एंड इवन हम लोग एम्प्लॉयर को ये बताते हैं कि दे शुड नॉट बी पेइंग यू नो लेस देन मिनिमम वेजेस। हम लोग वो ट्राई करते हैं कि वो लोग मिनिमम वेजेस एटलीस्ट पे करे, लाइक यू नो। सो समझ लीजिए 11,000 से 15,000, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिफिकेशन। इवन ग्रेजुएट्स है तो कभी कभी इवन 18,000 में 20,000 में भी गए हैं, बट वेन दे आर अंडर ग्रेजुएट्स को ऑलमोस्ट 11,000 से पकड़ के 15,000 के बीच में मिलता है। थैंक यू मैम। एक सवाल आया है हमारे पास चैट में कि मैडम मेरी बेटी ने डाटा साइंस किया है बट अनेबल टू गेट एनी ओपनिंग, तो प्लीज गाइड कीजिए। अगर आप में से कोई भी ये सवाल का आंसर करना चाहेगा। हाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है। आप हमें संपर्क यू कैन कनेक्ट अस, संपर्क कीजिएगा हमसे, हम आगे ले चलेंगे इनको। सो मे बी अनीसा यू कैन हेल्प देम गेटिंग मे कनेक्ट। अच्छा, दूसरा सवाल पेरेंट ने पूछा है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मुझे इंटर्नशिप्स के लिए कौन कौन सी फील्ड मिल सकती है? मैं शायद इसको आंसर कर सकती हूँ, ठीक है? अगर आप साइकोलॉजी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एक तो करियर काउंसलर बन सकते हैं, जैसे हमारे जो काउंसलर्स हैं वो सारे साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं, हम उनको फिर ट्रेनिंग देते हैं करियर काउंसलर बनने और उनको वेरियस स्कूल्स में प्लेस कर सकते हैं। तो अगेन अनीसा, अगर आप या उदयपुर राजस्थान महाराष्ट्र तो हम उनको ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट इंटर्नशिप भी दिला सकते हैं। तो एक सवाल और आया है। अच्छा, ये जिन्होंने सवाल पूछा था उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम मुंबई, तो परफेक्ट। तो हम ट्रेन करके उनको आराम से हम प्लेसमेंट भी। पेंटिंग क्या कॉकलियर इम्प्लांट बच्चों के लिए गुड ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक पेंटिंग, आर्ट, ग्राफिक डिजाइन, ये सारे तो एबिलिटी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, राइट? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगी कि जो भी आर्ट्स फील्ड में जाते हैं तो आप उसमें डिजिटल एनेबलमेंट तरफ आप बढ़े, राइट? आप पेंट अगर अच्छी तरह कर सकते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर also getting trained in graphic design, because वो digital enablement is the biggest employability skill today. Yeah, एक और सवाल आया है, ma'am, please suggest some good career opportunities for cochlear implant person. आप cochlear implant person के लिए कोई career opportunities बता सकेंगे? सो कॉकलियर इम्प्लांट मैम ये है वो बच्चे हैं जिन लोगों को सुनने में दिक्कत आती है, दे आर हियरिंग, लेकिन अब वो लोग कॉकलियर इम्प्लांट करके दे लिव नॉर्मल लाइफ सेम एज पीपल लाइक अस। थैंक यू अनीसा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, राइट, एबिलिटी इज नॉट
constraint for most careers, right? It really is not a constraint for most careers. आज के जमाने में अगर आपको digital enablement है, right? Language ability है, communication में आप अच्छी तरह लिख पढ़ सकते हो and you are able to hold a conversation, right? तो बहुत मतलब opportunities की कमी नहीं है. राइट आपको ये देखना जरूरी है, जैसे मैंने बताया एबिलिटी नहीं लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट, और आपका एप्टीट्यूड क्या है, राइट. दोज आर द टू बिग थिंग्स दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट, नॉट रियली योर एबिलिटी. एबिलिटी कम्स मच लेटर बिकॉज देयर आर सो फ्यू ऑक्यूपेशंस दैट लुक एट एबिलिटी, राइट. एंड एस्पेशली फॉर समबडी विद अ कॉक्लियर इम्प्लांट देयर रियली देयर आर वेरी फ्यू कंस्ट्रेंट्स ऑनेस्टली. Yeah, I think Nupur has asked about, so we'll be able to give her all the details that once we get to her. Sure. मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुजिया जी, प्रिया जी और समीर जी का करियर और जॉब के बारे में इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए. थैंक यू सो मच.